सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वजीर खारिजा एस जयशंकर पर जोर दिया है कि वह मुबैना तौर पर रूस में फंसे हुए 3 हिंदुस्तानियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात रूबा अमल लाएं, जिनमें एक शख्स का ताल्लुक हैदराबाद से है। वहाँ मज़कूरा बाला तीनों हिंदुस्तानियों को जंग में हिस्सा लेने पर मजबूर किया जा रहा है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हिंदुस्तानियों को एक एजेंट ने धोखा दिया और वहां आर्मी सिक्योरिटी मददगार के तौर पर काम दिलाने का वादा किया। उन्होंने अपील की है कि वजीर खारिजा अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करें और हिंदुस्तानियों की वतन वापसी को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि तीनों हिंदुस्तानियों की जान खतरे में है और उनके अफराद खानदान बहुत ज्यादा परेशान है। इस सिलसिले में ओवैसी ने तफसीलात जयशंकर को टैग करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। यह मामला उस वक्त सामने आया जब हैदराबाद के मुतासरा शख्स के खानदान ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से रब्त कायम किया। गुज़िश्ता माह रुकन पार्लिमान हैदराबाद ने एस जयशंकर और मास्को में हिंदुस्तानी सिफारत खाने को मकतूब तहरीर किया था और इस सिलसिले में मदाखलत पर जोर दिया था। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि गुज़िश्ता 25 योम से मस्कुरा बाला हिंदुस्तानियों ने अपने अफराद खानदान से राब्ता नहीं किया है। ओवैसी ने मकतूब में बताया है कि उनके अफराद खानदान बहुत ज्यादा फिक्रमंद हैं और उनकी हिंदुस्तान वापसी के ख्वाहां हैं, क्योंकि वो अपने खानदान के वाहिद कफील हैं। ये पहला मौका है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग में रूसी फौज के शाना बशाना हिंदुस्तानियों की मौजूदगी की इत्तला मिली है।